नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एनकेजे क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। बहुत छोटे छोटे मगर कमाल के नुस्खे जो आपके बहुत ही काम आएंगे। नंबर एक, हमको पूरी नींद लेनी चाहिए। नींद का असर हमारी त्वचा पर दिखाई देता है, जिससे हम बूढ़े नजर आने लग जाते हैं। इसलिए नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की जरूर लें। नंबर दो, जिन औरतों की प्रेगनेंसी के बाद पेट पर दाग पड़ जाते हैं, उनको पालक का रस रोजाना लगाने से दाग धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नंबर तीन, बालों को झड़ने से रोकना है तो बालों पर हमेशा गुनगुना तेल ही लगाएं। नंबर चार, अगर आप लंबे समय तक जवान रहना चाहते हैं और अपने आप को बीमारियों से मुक्त रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। नंबर पाँच, छोटे बच्चों को सरसों के तकिए पर सुलाने से सिर गोलाकार में रहता है और बच्चों के लिए सरसों का तकिया बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। नंबर छः, खाने के टाइम एक हरी मिर्च जरूर खाएं, इससे आपकी नज़र तेज होगी और आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। नंबर सात, अगर कब्ज की शिकायत रहती है तो 2 अंजीर भिगोकर खाने से कब्ज आपको कभी भी नहीं होगी। नंबर आठ, जमीन पर लेटकर सोने से कमर दर्द में बहुत फायदा मिलता है। नंबर नौ, यदि हम रात को चावल खाते हैं तो हमको नींद न आने की समस्या हो सकती है। नंबर दस, जल्दी सोने वाला और जल्दी उठने वाला इंसान तरोताजा दिखाई देता है और उसके चेहरे पर ग्लो रहता है। नंबर ग्यारह, अगर आपके पैर की एड़ियां फट गई हैं तो सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर लगाने से एड़ियां ठीक हो जाएंगी। नंबर 12, खाने में अंकुरित अनाज लेने से शरीर के विषैले तत्व खत्म होते हैं और खून साफ होता है। नंबर 13, अगर आप मच्छरों से परेशान हैं तो सोते वक्त अपने पास नमकीन पानी भर के रख दीजिए, पूरी रात मच्छर आपसे दूर रहेंगे। नंबर 14, रोजाना सुबह करी पत्ते का सेवन करते हैं तो इससे आपका वेट लॉस होने लगता है। नंबर 15, घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते लटकाने से परिवार को बुरी नजर नहीं लगती है, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। नंबर 16, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके घर में यदि अनार का पेड़ है तो अनार के जो फूल आते हैं उनको तोड़ लें और गुड़हल के फूलों को दही में पेस्ट बनाकर अपने शरीर में लगाएं, इससे बाल कभी नहीं झड़ेंगे और बाल बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे। नंबर 17, यदि आप बार बार छींक आने की समस्या से परेशान हैं तो एक बड़ी काली इलायची को मुंह में दबा लें और धीरे धीरे उसको चबाएं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। नंबर 18, कई महिलाओं को सुबह सुबह बिस्तर पर ही चाय कॉफी पीने की आदत होती है, इससे एसिडिटी और जलन हो सकती है। नंबर 19, यदि आप पैरों के नाखूनों पर सरसों का तेल लगाएंगे तो आंखों की खुजली, लालिमा और जलन ठीक हो जाएगी। नंबर 20, जो इंसान अधिक झुक कर पढ़ाई करता है उसकी रीढ़ की हड्डी, आंखों की रोशनी, फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए कभी भी झुक कर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा सीधा बैठकर ही पढ़ाई करें। नंबर 21, कभी भी हमको अपने हाथ की उंगलियां नहीं चटकानी चाहिए, इससे हड्डियों की बीमारी हो सकती है और आप बताते हैं कि इनको चटकाने से आंखों के नीचे डार्क सर्कल और भी कई परेशानियां होती हैं, इसलिए हमको ऐसा करने से बचना चाहिए। नंबर 22, यदि आपको कहीं मोच आ गई है तो भेड़ के दूध की हल्के हाथों से मसाज करें और कुछ दिनों तक ऐसा करने से आपका मोच बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और दर्द भी ठीक हो जाएगा। नंबर 23, हड्डियां होंगी मजबूत। खसखस को दूध में मिलाकर पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दरअसल खसखस और दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से जोड़ों के दर्द और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकती है। नंबर 24, दिल को रखे स्वस्थ। लहसुन खाने से आपका दिल स्वस्थ रहता है और बीमारियों के चपेट में आप आने से बचे रहते हैं। लहसुन के सेवन से ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है, जिससे हार्ट हेल्थ में सुधार आता है, और कच्चा लहसुन खाने से
कोलेस्ट्रॉल लेवल शरीर में नहीं बढ़ता है। इतना ही नहीं, यह ब्लड क्लॉट मरने से भी रोकता है, जिससे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक आने का जोखिम कम हो जाता है। नंबर 25, कपाल भाति करने से न केवल इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, बल्कि इससे चेहरे पर एजिंग और बालों का झड़ना, सफ़ेद होना आदि समस्याओं से राहत मिलती है। नंबर 26, अगर आप अपने पीच के गालों को मोटा करना चाहते हैं तो रोज़ाना एक सेब जरूर खाएं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, बी और सी होते हैं, जो स्किन के साथ चेहरे का मोटापा भी बढ़ाते हैं। नंबर 27, नींबू के बीज खाने से काफ़ी बीमारियां खत्म होती हैं, इसलिए अगर आप नींबू पानी पीते वक्त बीज आ जाए तो आप इसे खा लें। नंबर 28, जिनकी लंबाई कम है उनको पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए और 8 से 9 घंटे की नींद जरूर लें, इससे भी आपकी लंबाई पर बहुत फर्क पड़ेगा। नंबर 29, अस्थमा के मरीजों को दूध और केला एक साथ कभी नहीं खानी चाहिए, इससे आपको कफ की समस्या हो सकती है और अस्थमा आने का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 30, जिनका पेट साफ नहीं होता है उनको रात में अजवाइन खा के सोना चाहिए, इससे उनका पेट साफ हो जाएगा, क्योंकि अजवाइन में थाइमोल नामक तत्व पाया जाता है जो आपके पेट को साफ करने में मदद करता है। नंबर 31, रोज सौंफ का दूध पीने से रंग गोरा होने लगता है। नंबर 32, खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, इससे लीवर को नुकसान पहुंचता है। नंबर 33, चेहरे पर टमाटर को काट के आधे टमाटर में थोड़ी सी कॉफी पाउडर डाल के चेहरे पर हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट मसाज करने से चेहरा खिल उठता है। नंबर 34, तरबूज शरीर की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकता है। तरबूज में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन इन्फ्लेमेशन को कम करने में बेहद असरदार हो सकता है। लाइकोपीन अल्जाइमर डिजीज से भी राहत दिलाने में मदद करता है और इसे ब्रेन हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। नंबर 35, एक्सपर्ट की माने तो वयस्कों को हेल्दी और ताकतवर रहने के लिए प्रतिदिन 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर आप रोज 2 से 3 कटोरी लोबिया की दाल खाते हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी और मसल्स को मजबूती मिल सकती है, और बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों के लिए यह दाल चमत्कारिक साबित हो सकती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।